जी, ये हमारी एक क्लाइंट है, उनके बाल हैं, इनका हमने कट भी करना है और इसके बाद डाई भी करना है। तो लो लाइट्स हम इनको देंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे, 4 लेवल का तकरीबन इनके बाल हैं, और ब्लैक और ज़रा मोटा बाल है। 30 वॉल्यूम से हमने इनका ब्लीच बनाया है, 2 चम्मच डाले हैं ब्लीच पाउडर के और 3 चम्मच 30 वॉल्यूम के। ये मिक्सचर जो है इनके बालों में वीव कर रहे हैं, थोड़े से मोटे जो है वो वीविंग के लिए जो स्टैंड्स ले रहे हैं, थोड़े से मोटे ले रहे हैं, ताकि क्योंकि डार्क कलर की रखनी है तो बहुत बारीक लेंगे तो बहुत ही मर्ज हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इनको आधा घंटा लगा के रखना होगा, आधे घंटे में ही 7 लेवल तक आ जाएंगे स्टिक, 7 या 8 लेवल तक कट डाउन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इनको कलर लगाएंगे। फर्स्ट वाला स्टैंड ले रहे हैं, बाकी आगे जो है और एंड वाला भी ज़रूर ले रहे हैं। एक इंच से तकरीबन कम ही बीच में गैप रख रहे हैं। ये ऊपर वाला है फॉइल, ऊपर वाले फॉइल्स में हम रूट से ज़रा ज़्यादा दूर रखे ताकि सॉफ्ट लुक आए। यूनिवर्सिटी गोइंग है ये और इनको एक सॉफ्ट लुक चाहिए अपने बालों में। फ्रंट वाली साइड पे जो इनके फेस की तरफ स्टैंड आ रहा है वो रूट्स के ज़्यादा करीब रख रहे हैं और उसको कट डाउन रूट्स के करीब लगा रहे हैं और बाकियों को थोड़ा सा दूर करके लगा रहे हैं। फिर देखिएगा, अब ये क्राउन वाला एरिया आके है। फर्स्ट वाला जो फॉइल है ये वीव करके करेंगे, बाकी जो है वो स्लाइस करेंगे। ये फुल स्लाइस किया गया है। रूट से तकरीबन 2 इंच छोड़ के तो ब्लीच लगाया, रूट्स के बहुत करीब आई हुई हो हाइलाइट्स या लो लाइट्स तो ज़्यादा मैच्योर लुक आती है, हार्श लुक आती है। एक टाइम था कि बोल्ड जो स्ट्रीक्स थी उनका फैशन था, अब आजकल सॉफ्टनेस, आपने देखा मेकअप में भी सॉफ्ट और हेयर कलर में भी सॉफ्टनेस आ के लिए स्लाइस है। ये भी आगे सारे स्लाइसेस ले रहे हैं। जो फेस के बिल्कुल फोरहेड पे आए हुए हैं वहाँ पर हमने वीव किए। जी, ये नेप एरिया पे जो है वो कट डाउन का रिजल्ट आना शुरू हो गया।
आधे घंटे में आ गया था जी। 7KR फ्रेमेजी का हमने कलर लिया है, 7KR और 20 वॉल्यूम में मिक्स करके, तो टोनर हमने इनका बनाया है। और इनके साथ बालों में, वहाँ वॉश बेसन में ही इनके बालों में लगा रहे हैं, गीले बालों में। पहले शैम्पू से वो कट डाउन वाला सारा वॉश कर लिया था, उसके बाद अब ये कलर लगा रहे हैं। 7KR बड़ा खूबसूरत सा कलर है, कैरमल है, लाइट कैरमल, और इसमें कूल टोन भी है वायलेट की और वार्म टोन भी है गोल्ड की, तो वो मिक्स होके बड़ा अच्छा सा कैरमल कलर बनता है। 7.36 इस टाइप का ये कलर है, 3 गोल्ड है और 6 वायलेट है। हम इनको 5 मिनट्स तक हमने इनको लगा के रखा है वहाँ वॉश बेसिन में, अच्छी तरह ब्लेंड किए। अच्छी तरह से जो है वो अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि बीच में कोई ऐसा स्ट्रैंड रह जाए जिस पे कलर सही तरह ना लगा हुआ, तो वो फिर ब्लीच वाला कलर उसमें नज़र आएगा, जो कि बहुत बुरा लगता है। इसके एप्लीकेशन अच्छी किया करें। अगर वॉश बेसिन पे अप्लाई करना मुश्किल हो रहा हो तो बेशक आप चेयर पे बिठा के अप्लाई कर लिया करें। फाइव मिनट्स के बाद वॉश करके तो स्टाइल करें और फिर अब आपको एंड रिजल्ट दिखाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और सैलून का एड्रेस सारे पुश होते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से ले लिया करें।